नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 दिसंबर बुधवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की रोकथाम और कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी महारैली की तैयारियों का फीडबैक लेने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को अपने निवास पर मंत्रिपरिषद की बैठक ली। बैठक में सीएम अशोक गहलोत मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद पहली बार अपने अपने प्रभार वाले जिलों का 3 दिवसीय दौरा कर जयपुर लौटे प्रभारी मंत्रियों से जिलों में रैली की तैयारियों का फीडबैक लिया। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर भी चर्चा हुई, साथ ही इसकी रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाए इस पर भी चर्चा हुई। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते मामलों और स्कूली बच्चों के संक्रमित मिलने को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी मंत्रियों से शैक्षणिक संस्थानों को लेकर सुझाव लिए कि स्कूली बच्चों को 100% संख्या के साथ स्कूल भेजा जाए या नहीं, या फिर केवल ऑनलाइन क्लासेस ही रखी जाए। चित्तौड़गढ़ जिले में 16 साल की लड़की का किडनैप कर रेप के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 6 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वकील शोभा लाल जाट ने बताया कि 25 जून 2015 को थाना मंगलवाड़ में पीड़िता के पिता ने बेटी के किडनैप का मामला दर्ज करवाया था। पिता ने बताया कि वह और उसकी पत्नी चित्तौड़गढ़ आए थे। नाबालिग 16 साल की बेटी और बेटा घर पर थे। बाद में पता चला कि आरोपी कालू और श्रीलाल बेटी का किडनैप कर भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने तलाश करते हुए नाबालिग बच्ची को छिड़वाकर आरोपियों को काबू कर लिया। शादी में दिए जाने वाले दहेज को भले ही सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता हो, लेकिन अभी भी शादियों में दहेज का चलन है। दहेज को लेकर ठोस निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय विधि आयोग इस मुद्दे पर अपने सभी दृष्टिकोणों के तहत विचार करता है, तो ये भी उचित हो सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि दहेज एक सामाजिक बुराई है। शादी में दिए गए आभूषण और अन्य संपत्ति को कम से कम 7 साल तक महिला के नाम पर रखने की प्रार्थना बहुत मान्य है और विधायिका इस पर बहुत गंभीरता से विचार करेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि कोरोना महामारी की वजह से कक्षा 12वीं के जिन विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी, उन छात्रों के मूल्यांकन के लिए CBSE की मूल्यांकन योजना अंतिम रूप ले चुकी है। इसके साथ ही इस योजना पर सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति की मोहर भी लग गई है। मूल्यांकन योजना के मुद्दे पर अंतिम मोहर लगाते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि इस मुद्दे पर दोबारा विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए CBSE की योजना पर उन याचिकाकर्ताओं को भी चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें इस योजना या अंकों के मूल्यांकन के संबंधित से कोई शिकायत है। इसे यह स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों की मूल्यांकन योजना का संबंध है, वह अंतिम रूप ले चुका है। सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार संयम लोढ़ा ने पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण पर पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाया है। उन्होंने जिला प्रभारी महेंद्र चौधरी की मौजूदगी में 2018 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट वितरण और पार्टी पदाधिकारी बनाने की प्रक्रिया पर जमकर निशाना साधा। संयम लोढ़ा ने कहा कि सिरोही और मारवाड़ जंक्शन ऐसी सीटें थी जहां कार्यकर्ताओं ने अपनी गलती को सुधार दिया और बीजेपी को हरवा दिया। उसके आपके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई। आपके उम्मीदवार 40,000 से हारे, 35,000 से हारे, 30,000 से हारे। क्या नेता लोग भाग पीकर टिकट बांट रहे हैं? लोढ़ा ने आगे कहा कि यहाँ जिले के चप्पे चप्पे में कांग्रेस है। पदाधिकारी बनने से पहले उनके बूथ का रिजल्ट मंगवाओ कि उनके बूथ का रिजल्ट क्या है। जिनके बूथ पर ही कांग्रेस 300 वोट से पीछे रह जाती है, वही कांग्रेस के पदाधिकारी बनकर आ जाते हैं। जोधपुर जिले के रातानाड़ा थाना क्षेत्र में इन दिनों वैवाहिक आयोजन स्थलों पर चोरों की गैंग सक्रिय है। मेहमानों के बीच घुसकर इस शातिर गैंग के सदस्य मौका मिलते ही रुपए व गहनों के बैग गायब कर देते हैं। इसी तरह का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि भैरू निवास निवासी रोहित कुमार की बेटी की शादी थी। रोहित की पत्नी के पास बैग में कन्यादान की रस्म के दौरान मिले 86,000 रुपये के साथ सोने की एक अंगूठी व पायल की जोड़ी थी। फेरों की रस्म के बाद रोहित की पत्नी थकान के मारे सो गए। इस दौरान कोई व्यक्ति उनके पास रखा बैग उठाकर चलता बना। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के चलते सरकार इससे निपटने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। वहीं श्रीगंगानगर जिला कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने पर पूरे संभाग में पिछड़ने के साथ साथ प्रदेश में 27वें नंबर पर पहुंचा हुआ है, जबकि हमसे आगे पड़ोसी जिला हनुमानगढ़ ने इस मामले में बाजी मारी हुई है। 5 दिसंबर शाम 5 बजे तक की प्राप्त हुई इस रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में दूसरी डोज लगाने में प्रतापगढ़ सबसे आगे है।
जहां 80.8% डोज लगाई जा चुकी है और प्रथम डोज 100% से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। सबसे कम दूसरी डोज लगाने वालों में प्रदेश में भरतपुर 52.6, धौलपुर 52.8, पाली 54, अलवर 54.2, बाड़मेर 54.4, जालोर 54.5 और श्रीगंगानगर 54.6% के साथ प्रदेश में 27वें नंबर पर है। इससे ज़्यादा पड़ोसी जिले हनुमानगढ़ में लगी है, 67.4% है। वहीं संभाग के चूरू में 63%, बीकानेर में 59.5% है। भरतपुर जिले के कामा के पहाड़ी थाना क्षेत्र के आलमपुर में गाजुका गांव के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपसी कहा सुनी को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से जमकर फायरिंग की गई। फायरिंग में गोली लगने से हसन नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। खंबीर घायल को इलाज के लिए परिजन अलवर अस्पताल लेकर पहुंचे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को तितर बितर कर स्थिति को संभाला। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सोमवार को भी विवाद हुआ था, जिसमें एक महिला सहित 3 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद मंगलवार को भी विवाद हो गया। विवाद में दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग की गई। फायरिंग में छर्रे लगने से 3-4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। धौलपुर में 2 साल पहले जहरीले कीड़े के काटने से महिला की मौत पर नया खुलासा हुआ है। पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में महिला के पति को गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना पुलिस ने बताया कि 15 साल पहले मध्य प्रदेश की रहने वाली राधा की शादी बिलोनी गांव के संजय परमार के साथ हुई थी। 2 साल पहले महिला की तबीयत खराब होने पर परिजन ग्वालियर अस्पताल लेकर गए। पियर पक्ष ने उसकी उंगली में जहरीले कीड़े के काटने की बात बताई। महिला को मृत घोषित किए जाने पर जहरीले कीड़े से काटने का मामला दर्ज किया। अब FSL रिपोर्ट आने के बाद पुलिस मृतका के ससुराल पहुंची। महिला के दोनों बेटों ने बताया कि भैंस के पैसों को लेकर माता पिता में कहासुनी हुई, मां ने जहरीला पदार्थ खा लिया। इसके बाद पुलिस ने आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप में पति संजय परमार को गिरफ्तार कर लिया है। जोधपुर जिले के तिवरी थाना क्षेत्र के बालरवा सड़क पर एक हादसा हो गया, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक चालक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस ने बताया कि अज्ञात वाहन और उसके चालक की तलाश कर रही है। इसके लिए CCTV कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.